और दोस्तों आज है भाई दोस्त, तो भाई दोस्त की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जो बारा राजस्थान के लोग हैं उन्हें पता है कि एकदम से सर्दी आ चुकी है। हम बाहर से कोई मिठाई नहीं मंगवा रहे हैं, इसलिए हम घर पे गुलाब जामुन बना रहे हैं। मजा आ गया। मेले में कटंगी के प्रसिद्ध गुलाब जामुन यही है वो, और आपकी बाहर से नया भी दुकान लगाने वाली है मेले में, तो आप लोग आ सकते हैं, हम 10 का 1 ही देंगे आपको। क्या करोगे पैसों का? हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है जिम्मी ने आप लोग चैनल पर। और दोस्तों आज है भाई दूज, तो भाई दूज की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आप लोगों को बता दें कि अगर आपने दीपावली वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। आपने अगर गोवर्धन स्पेशल ब्लॉग नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं, गोवर्धन पूजा का। और फिलहाल आज है भाई दूज, तो आज होने वाला है भाई दूज स्पेशल ब्लॉग। तो जल्दी से बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि हम लोग आपके लिए स्पेशल वीडियोज लाते रहते हैं और लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स भी लाते रहते हैं। तो दोस्तों अभी फिलहाल नेहा तो गई है नीचे, मैं भी जाने वाला हूँ नीचे, और अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। तो फिलहाल देखते हैं नीचे चल क्या रहा है, तो चलते हैं फटाफट से नीचे। और दोस्तों एकदम से थोड़ी थोड़ी अब सर्दी बढ़ने लगी है, मतलब सुबह सुबह आपको सर्दी लगने लगी होगी अब तो। खासकर जो बारा राजस्थान के लोग हैं उन्हें पता है कि एकदम से सर्दी आ चुकी है, 4-5 बजे करीबन बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। तो अभी फिलहाल नहा धो के कम्प्लीट हो चुके हैं और दोस्तों सर्दी वाले कपड़े भी निकल चुके हैं हम सभी लोगों के। तो अब सर्दियों का मौसम आने वाला है और सर्दियों का मौसम बहुत अच्छा भी लगता है। तो ज्यादा बात न करते हुए पहले चलते हैं आज के इस स्पेशल ब्लॉग की तरफ, तो फटाफट से चलते हैं नीचे और देखते हैं कि नीचे चल क्या रहा है। फ्रेंड्स अभी यहाँ पर बन रहे हैं गुलाब जामुन, और इधर चढ़ी हुई है गैस पे चाशनी, और यहाँ पर गुलाब जामुन के लिए तैयारी की जा रही है। तो गुलाब जामुन बनेंगे और फिर उसके बाद तिलक वगैरह निकलेगा, क्योंकि आज है भाई दूज जैसा कि हमने आपको बताया। तो अभी फिलहाल तो यहाँ पर बन रहे गुलाब जामुन, और हम बाहर से कोई मिठाई नहीं मंगवा रहे हैं, इसलिए हम घर पे गुलाब जामुन बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बने रहे ब्लॉग में, क्योंकि गुलाब जामुन भी खाने वाले हैं आज के इस ब्लॉग में। सबको गुलाब जामुन पसंद भी होते हैं, तो इसीलिए हम घर पे गुलाब जामुन बना रहे हैं कि भगवान को भूख भी लग जाएगा और गुलाब जामुन जो है वो सब खा भी लेते हैं। तो इसीलिए घर पे गुलाब जामुन बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। फ्रेंड्स यहाँ पर रेडी है गुलाब जामुन, और अब आपको बताते हैं कि गुलाब जामुन कैसे बने और टेस्ट करके भी बताएंगे, तो आप लोग भी टेस्ट करना साथ में। तो चलिए चलते हैं और टेस्ट करते हैं गुलाब जामुन। ये ले लिया एक काटा और इसकी मदद से हम निकालते हैं गुलाब जामुन। तो यहाँ पर एक कांटे से निकालते हैं हम गुलाब जामुन, ये देखिए आप, वैसे गुलाब जामुन है देखिए आप। तो ये एक गुलाब जामुन निकाल लिया हमने और इसको टेस्ट करके बताने वाले हैं आपको। बाकी इतने सारे गुलाब जामुन है तो आप लोग भी आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये है गुलाब जामुन, तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ, और मैं फिलहाल आपको खाकर बताने वाला हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है और कैसा नहीं। मजा आया। मेले में कटंगी के प्रसिद्ध गुलाब जामुन यही है वो, और आपकी बाहर से नहीं अभी दुकान लगाने वाली है मेले में, तो आप लोग आ सकते हैं, हम 10 का 1 ही देंगे आपको। बढ़िया टेस्टी। तो ये भी आ चुकी है बनाने वाली, इसको भी खिलाते हैं। और यहाँ पर अब युवंश भी आ चुका है, तो अब युवंश भी खाने वाला है गुलाब जामुन। तो खा के बताइए युवंश कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा लगा, तो चलो ठीक है, तो सबको अच्छे लगे और गुलाब जामुन बहुत सारे और खाने वाला सिर्फ मैं एक। तो चलिए दोस्तों गुलाब जामुन खा लेते हैं, उसके बाद फिर टीका वगैरह लगने वाला है, तो विदय भी आने वाली है टीका लगाने के लिए और साथ में सोना तो ऐसे ही, तो पहले टीका वगैरह लगवा लेते हैं। बने रहे ब्लॉग में, तब तक मैं इसको खा लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेरे मामा की लड़की है सोनू, वो फिलहाल युवंश को तिलक कर रही है, युवी को तिलक कर रही है। और यहाँ पर मतलब अब जो भाई दूज की जो रस्म होती है तिलक लगाने वाली, उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। तो फिलहाल यहाँ पर युवंश को मिठाई वगैरह खिलाई जा रही है, और युवंश को मतलब सर्दी जुकाम था, तो इसलिए हम थोड़े थोड़े कम कम पीस दे रहे हैं मिठाई के। अच्छा लग रहा है युवंश पैसे लेके? अच्छा लग रहा है। क्या करोगे पैसों का? चीज खाएगा। तो दोस्तों अब आ चुकी है बारी वैदेही की, हमारी जो शिवी है उसकी, और आप सब लोग इसे जानते भी होंगे, काफ़ी ज़्यादा व्लॉग में नज़र भी आ चुकी है। युवंश के चाचा की लड़की है ये वैदेही,
और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अब वो तिलक कर रही है, और यहाँ पर देख लीजिए आप मिठाई छीन कर विदेही से, और युवंश अब विदेही को भी खिला रहा है। तो दोनों भाई बहन में काफ़ी ज़्यादा प्यार है, और दोनों किसी चीज़ के लिए अगर झगड़ पड़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा झगड़ा भी करते हैं। तो फिलहाल आप यहाँ पर इन दोनों की मस्ती कीजिए, इंजॉय। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ससुराल में, और यहाँ पर अब मिष्टी करने वाली है तिलक युवंश को। और मिष्टी को भी आप सभी लोग जानते होंगे, काफ़ी ज़्यादा व्लॉग में नज़र आ चुकी है मिष्टी भी। तो यहाँ पर जो युवंश के मामा की लड़की है उसका नाम है मिष्टी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे गोद में, और कल्पना लेकर बैठी है गोद में। तो यहाँ पर अब युवंश को तिलक लगा रही है मिष्टी और मिठाई वगैरह खिला रही है। तो मतलब युवंश को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि मिठाई खाने को मिल रही थी, और सर्दी खांसी की वजह से हम लोग उसे ज़्यादा मीठा नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पर नारियल वगैरह दे दिया है। और युवंश भी अपनी छोटी बहन मिष्टी के लिए गिफ्ट लेकर आया, आप लोग देख लीजिए, टॉफ़ी शेप में गिफ्ट को पैक किया था, मैंने ही पैक किया था। तो यहाँ पर जो युवंश है वो गिफ्ट लेके आया है अपनी बहन के लिए, तो फिलहाल वो दे रहा है गिफ्ट। तो आपको गिफ्ट खोलकर भी बताने वाले हैं कि गिफ्ट में क्या है, तो आप लोग फटाफट से बस लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा भाई दोज स्पेशल में, और साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो यहाँ पर फिलहाल आप लोग देख सकते हैं कि युवंश अपनी बहन के लिए बहुत ही प्यारे मतलब सैंडल्स लेके आया है और ड्रेस लेके आया है। तो यहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं ये सैंडल्स आप लोग देख सकते हैं कि कितने प्यारे हैं, ये ऑनलाइन बुक करवाए थे हम लोगों ने। दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, और फिलहाल आज कुछ ऐसा स्पेशल तो था नहीं, बस तिलक वगैरह था तो आपको बता दिया भाई दूज स्पेशल में। बाकी वही पूड़ी सब्जी वगैरह तो आपको 3-4 दिन से मतलब देखने को मिल ही रहा है हर व्लॉग में, दीपावली वाले व्लॉग में भी आपने देखा होगा, गोवर्धन पूजा वाले व्लॉग में भी देखा होगा। तो वही खाना क्या, पूड़ी सब्जी वगैरह और ये है, और इसके अलावा अगर मैं पूड़ी नहीं खाता तो मेरे लिए पराठे या फिर रोटी बन जाती थी, तो वो चीज़ क्या दिखाना, तो इसलिए हमने वो कवर नहीं किया। बाकी आपको आज का भाई दूज स्पेशल कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छी से कमेंट कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम लोग आपके लिए स्पेशल वीडियोज वगैरह लाते रहते हैं। तो फिलहाल दोस्तों अभी बज रहे हैं 5:30, और फिलहाल तो मैं तो आ चुका हूँ घर पर, नेहा खाना खाने के लिए अपनी मम्मी क्या रुकी है, मुझे भी वहीं जाना है तो मैं भी वहीं जाने वाला हूँ, पर वो रात का टाइम हो जाएगा, 8:30-9 हो जाएंगे तो व्लॉग नहीं डल पाएगा, इसलिए मैं अभी इस व्लॉग को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।